हेलो, मुझे मैंने बात ही करी मेरे से। अब जरूरी होता है कि हर बात ना हम बताई जाए, कुछ बातें सीधी भी की जाती है। हेलो जी, क्या हाल है सबका? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। भाई साहब, मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मैं आज ऊपर आ गई हूँ। जल्दी क्यों आया हूँ वो अभी आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली आज एक प्रैंक रिकॉर्ड करना है और मेरी बेगम है नीचे कुछ काम कर रही है। वो काम करके ऊपर आती ही होगी। तो आज के व्लॉग का सीन कुछ यूँ है कि जब भी कभी भी रूम के अंदर कुछ चीज़ बिखरी पड़ी होती है तो मुझे शदीद वाला गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से पे मैं काबू करता हूँ। गुस्से को मैं अपने अंदर ही रख लूँ, किसी पे गुस्सा मैं उतारता नहीं। यार ऐसे ही मेरे गुस्से की वजह से किसी का दिल टूट जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना गुस्से को बाहर निकाला जाए। हालांकि मुझे गुस्सा आया नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा बिखरा नहीं हुआ। देखिए, कुछ भी नहीं बिखरा हुआ। और ये जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं ये भी मैंने खुद बिखेरी हैं। क्यों बिखेरी है? आज जो है ना, अपनी बेगम को थोड़ा सा तंग करते हैं। बड़ा अरसा हो गया उसको तंग नहीं किया। तो चैनल पे अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज रूम की जो है ना थोड़ी बहुत डस्टिंग नहीं हुई। तो फर्नीचर पर थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ी है। देखिए, मेरे हाथ पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी लग रही है। आज इसी चीज़ को उठाएंगे और अपनी बेगम को थोड़ा सा डांटेंगे, थोड़ा सा उस पर शाउट करेंगे और जो है ना प्रैंक के तो थोड़ा बहुत स्पाइस डालेंगे। तो फिलहाल मोबाइल को करते हैं एडजस्ट करने के बाद वो होपफुली ऊपर भी आ जाएगी। तो ये जो चादर है ना, बेडशीट को भी थोड़ा सा ना ऐसे बिखेर देते हैं। ये देखिए, ऐसे बिखेर देते हैं। उस बोंगी को याद होने के सो मैं इसको एडजस्ट करके गई हूँ। ऐसे बिखरी पड़ी होगी ना तो जो है ना जो मेरा प्रैंक है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल मोबाइल को करते हैं एडजस्ट और एडजस्ट करने के बाद उसका वेट करते हैं। 12 seconds later. मोबाइल तो मैंने कर दिया एडजस्ट। अब जिस किस चीज़ का वेट है, जस्ट उसका वेट है कि वो यहाँ पर आए और हम लोग इस प्रैंक को जो है ना रिकॉर्ड करें प्रॉपर तरीके से। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, क्योंकि इन दिनों गर्मियाँ बहुत शदीद पड़ी हैं तो मुझे गर्मियों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना आज दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो रूम थोड़ा सा बिखरा पड़ा है और दूसरा आज गर्मी भी बड़ी शदीद है। तो दोनों चीज़ें जब मिलेंगी ना तो मेरे गुस्से की शिद्दत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। और उसको लगेगा वाकई जो है ना ये रियल में गुस्सा कर रहे हैं, ये मजाकन गुस्सा नहीं कर रहे। तो उसका वेट करते हैं, पता नहीं कब आती है। तब तक मोबाइल चला लेते हैं। गर्मी जो है ना, गर्मियाँ जाएंगी बैठ जाऊंगी। कितना पसीना है भाई साहब, कितना पसीना आया है भाई। अरे क्यों ना, आपको हर वक्त ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ हो ही रहता है। अब गर्मी है तो अल्लाह ताला की तरफ से गर्मी है, अब इसमें हमारा कोई कसूर है? जब देखो गर्मी आ रही है। नहीं, मैं इतना हाइपर तो नहीं होता जितना आप हो जाती है। गर्मी है तो आप उस गर्मी का क्या करें? आप गर्मी है जैसे, अब क्या करें? कौन सी क्रीम क्यों? ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है यार, पूरा पानी नहीं भरा। नहीं, अभी नहीं भरा, सारे काम मैंने कर लिए। सड़े क्यों बैठे हो? सड़ने वाली क्या बात है? सड़े तो नहीं, बताओ क्या है? मैं सड़ा कहता हूँ। हाँ तो की है यार, क्या हुआ है बताओ? कुछ भी नहीं हुआ यार। अब ज़रूरी होता है कि हर बात ना हम बताई जाए, कुछ बातें फीलिंग भी की जाती हैं। आप फीलिंग्स तो है ही नहीं। क्या मतलब गलती होगी यार? ये रूम का हाल देख लिए, ये क्या सारी चादरें बिखरी पड़ी हैं। उसको ज़रा टेबल को ज़रा हाथ मारे, इतनी शदीद किस्म की उसके अंदर डस्ट पड़ी हुई है। मैं ऐसा तो नहीं था, मैं तो प्रॉपर डिसिप्लिन लड़का था और मैं हर चीज़ अरेंज करके रखता था। ये टॉवल यहाँ पर क्या करता है? सारी चीज़ें बिखेरी हैं। वहाँ पर एक बुक पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है और वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ पड़ा है। कि वो कपड़ा क्या कर रहा है इधर? लैपटॉप बेशक मेरा है लेकिन आप समेट तो सकती हैं। मैं सारा दिन बाहर होता हूँ तो आप घर पे होती हैं, आप घर में काम नहीं कर सकती। ये बुक किसकी? बुक भी मेरी है। आप इसको उठा के यार स्टोर में या किसी और जगह पे रख नहीं सकती यार? आप
मुझे एक बात बता दे, मुझे आप सारा दिन करती क्या है? मैं बताती हूँ आप क्या करती हैं। आप सो उठती हैं मेरे साथ, ठीक है, सो उठ के नमाज शमाज पढ़ के नीचे चली जाती हैं, नीचे जाके आप फिर सो जाती हैं, 10 बजे तक सोती हैं, 10 बजे उठ के फिर आप नाश्ता करती हैं, और फिर जो 1 बजे ना 1 बजे आप फिर सो जाती हैं। कौन सा काम है आपका? हद होती है यार। अच्छा गर्मी लगी हो, मैंने आपको कितनी बार मना किया, जब गर्मी लगती है मेरे ऊपर ऐसे हाइपर मत हुआ करें। क्या मतलब मुझे गर्मी लगती है? गर्मी आएगी इस वजह से? नहीं यार, गर्मी 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 एक फैक्टर है बेशक, लेकिन ये चीज देखिए ना, ये चीज क्यों बिखरी पड़ी है? मुझे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, खुद आपको जल्दी पड़ी होती है नीचे जाने की, जैसे सुबह नमाज कुरान पढ़े फौरन से नीचे चलो नीचे चलो, टाइम तो आप मुझे देते नहीं हो कमरे के बाहर जाने के, बाद में आप ऊपर आके सारी चीज सेट कर सकते हैं। इतनी गर्मी होती है, गर्मी होती है। अब गर्मी का मलबा भी मेरे ऊपर फेंक दी थी, अभी आप खुद कह रही है कि गर्मी होती है। आपको पता नहीं है मेरा हाथ खराब हुआ है? कौन सा हाथ खराब? इतना भी हाथ नहीं खराब, मेरा भी तो पाँव खराब होता था, कुछ नहीं कहता था, मेरे पाँव खराब होते थे, मैं अपने सारे काम जैसे नॉर्मली कर रहा होता था वैसे करता था। जैसे मैं जरूरी होता है आपको हर 2 महीनों के बाद मुझे ताना मारना होता है कि मैं आपकी तरह नहीं। मैंने पहले कब ताना मारा है? आप पहले भी आपने मुझे इतनी बार की बात की, कोई नहीं की मैंने बात ऐसी। आप हर इंसान की अपनी नेचर होती है, समझ आई बात? हर इंसान की अपनी नेचर होती है। देखिए मैं आपके साथ कितना वो हूँ, आपको आपको मैं कितना ख्याल रखता हूँ, आपका ख्याल रखती है, लेकिन इन चीज़ों का भी तो ख्याल रखेगा। कोई नहीं था हाथ खराब, ऐसे ड्रामे हैं, कभी हाथ खराब है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी एलर्जी हो रही है, कभी एलर्जी हो रही है, मुझे लगता है आपके सारे ड्रामे। लाइट्स बंद करें सोते। क्यों एहसान कर रही है मेरे पे? लाइट्स बंद करें और सोए जल्दी से। इसको उठा के पड़े रखा, ये मैंने नहीं इधर रखा था, मुझे याद है कि मैंने ये तो नीचे पड़ा हुआ था। नीचे पड़ा हुआ था, मेरे फ्रिज तो यहाँ पर रख के गई। आप भी तो रख सकते हो। फिर मुझसे ना ऐसे इस रूड बिहेवियर में बात ना करें, मैं आपको मुंह तोड़ दूंगा, मुझे जानती हैं क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया आपको? ओ हेलो, मुझे मैंने बात नहीं करनी मेरे से। एक बात वो कहाँ जा रही, कहाँ तक हो रही है? में पानी भरने जा रही हूँ, सोना नहीं है, चलो सोए, बात नहीं करें मुझसे। क्या भी मेरा एक फिंगर देख रहे हो? ये देख रहे हो उसको, ये आज एक दिन अगर डस्टिंग नहीं हुई आप इतना हाइपर हो रहे हो, और मसला सिर्फ ये है कि आपको गर्मी लगी हुई है। और कोई गर्मी लगी मुझे कोई नहीं, मुझे पता है आपको मसला सिर्फ ये है। मसला पता क्या है? मसला ये है कि मैंने काफ़ी दिन से अभी ना आपको तंग नहीं किया, मैंने सोचा आपको तंग कर लें थोड़ा सा। मैं नहीं बुद्ध कैमरे इधर ना हो, परेटो मुख मारूंगा वो, देखो कैमरे तो बिल्कुल यार। इसके अंदर ना इनको पीप पड़ गई है, ठीक है, जो दिमाग में कचरा सारा इकट्ठा किया हुआ था वो कचरा उंगली के थ्रू अब निकल रहा है, ठीक है, ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। अच्छा नहीं प्लीज सॉरी, अच्छा मुर्गा बन के दिखाओ। इसके साथ इस वीडियो को कर दे, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़। मैं जरा बना लूं।